हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अडे विद नंदू। यह आपका चैप्टर थर्ड है, क्लास फोर्थ ईवीएस का। नंदू कौन है इसमें? देखो बच्चों, पिक्चर में दिखाया है नंदू एक बेबी एलिफेंट है, यानी कि छोटा एलिफेंट का बच्चा है। तो नंदू के साथ हम क्या पढ़ेंगे? पूरा दिन। कैसे रहा नंदू का दिन? दिन भर क्या करता है? नंदू वेक्स अप। वेक अप माने क्या होता है? उठना, जागना, ठीक है। नंदू वोक अप एंड ओपन हिज आईज। नंदू उठ गया और उसने अपनी आंखें खोली। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेर ही वॉज। अब वो सो के उठा तो उसे कुछ सेकेंड यानी कुछ ही क्षण के लिए लगा कि वो कहाँ है। इट सीम टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ अ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स। उसे ऐसा लगा कि सीम ने मैंने ऐसा महसूस हुआ, ऐसा उसे प्रतीत हुआ कि वो सराउंडेड, सराउंडेड मैंने क्या हुआ, घिरा हुआ है एक फॉरेस्ट से, एक जंगल से, जहाँ की बहुत बड़े बड़े ग्रे, ग्रे क्या होते हैं, ग्रे होते हैं ना ट्री ट्रंक, यानी कि ट्रंक मैंने पेड़ के, ट्रंक मैंने क्या होते हैं, मोटे मोटे तने, और ऐसे ग्रे कलर के तने हैं, उससे घिरा हुआ है, ठीक। ग्रे मैंने सलेटी रंग होते हैं। ही ब्लिंक्ड हिज आईज एंड लुक्ड अराउंड। उसने अपनी आंखें ब्लिंक मैंने ऐसे ऐसे करके, सो के उठते ना तो आंखें ब्लिंक करी, यानी कि छोटी छोटी सी उसने क्या की, आंखें हिलाई। ओ देयर वाज अम्मा। उसने ओह यहाँ तो कौन है, अम्मा है। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन ही वॉज इन वॉज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। अब उसके फैमिली मेम्बर भी थे वहाँ पे, तो जो वो इमेजिन कर रहा था, जिसे वो कल्पना कर रहा था ना कि वो क्या है, फॉरेस्ट है, ग्रे फॉरेस्ट, वो एक्चुअल में क्या थे, उसकी फैमिली के लेग मैंने क्या थे, पैर थे। एंड ट्रंक, यहाँ पे जो ट्रंक है ना बच्चों, ये ट्रंक आ रहा है, ऊपर जो ट्रंक था वो तो ट्री ट्रंक था, पेड़ का था ना, यहाँ पे ट्रंक का मतलब हाथी की जो सूंड होती है ना, ये बड़ी बड़ी, इसे बोलते हैं ट्रंक, ठीक है, वो ये ट्रंक थी। अब द सन वॉज ओवर हेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। अब सर पे सूरज ऊपर आ गया था, ओवर हेड मैंने सिर के ऊपर आ गया था और गर्म होने लग गया था, ठीक है। नानी माँ ट्रम्पटेड मेड लाउड साउंड। ट्रम्पटेड क्या हुआ, जैसे हर जानवर की अपनी एक आवाज़ होती है ना, वॉइस होती है, वैसे ही एलिफेंट की आवाज़ को भी ट्रम्पेट कहते। तो नानी माने ऐसी आवाज़ निकाली, जो कौन निकालता है, एलिफेंट निकालता है, ऐसे जोर से आवाज़ निकाली। नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट। हर्ड ऑफ एलिफेंट, देखो बच्चों, कहीं भी एनिमल का जो झुंड होता है ना, उसे हर्ड ऑफ कहते हैं। जैसे यहाँ पे हर्ड ऑफ एलिफेंट है, ऐसे आपने हर्ड ऑफ काउ पढ़ा, यानी कि झुंड, किसका, एनिमल का झुंड। तो नानी माँ जो थी वो सबसे बूढ़ी थी इस एलिफेंट के झुंड में। शी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जंगल। उसने जंगल की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। द अदर फीमेल एलिफेंट्स सो हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। जो और फीमेल एलिफेंट्स थी, उन्होंने भी उन्हें देखा और चलना शुरू कर दिया। तो फीमेल माने कि उसमें एलिफेंट्स क्या थी, फीमेल थी, जो बड़ी एलिफेंट्स थी। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम। नंदू भी उनके साथ जाने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला कि नानी माँ किसे कहते हैं, नानी माँ यानी कि आपकी मम्मी की जो मम्मी है, ठीक है, उसे नानी कहते हैं, मदर की मदर। और आपकी लैंग्वेज में नानी को क्या कहते हैं, जैसे नानी को कई लोग अम्मा भी बोलते हैं, ठीक है, तो नानी मतलब अम्मा मतलब यहाँ पे जो नानी का मतलब वो मदर्स मदर। वेन द रीच द जंगल द मेम्बर्स ऑफ द हर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट। अब जब वो जंगल में पहुंचे तो जो मेम्बर थे वो हर्ड मैंने झुंड के, उन्होंने फैलना, स्प्रेड मैंने फैलना शुरू कर दिया, यानी कि फैल गए। ईच मेम्बर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विंक्स। तो जो जो मेम्बर थे वो सभी लोग अपनी फेवरेट मैंने पसंद के लीव्स मैंने पत्तियाँ और ट्विंक्स मैंने जो पतली पतली टहनी होती है उसे क्या करने लगे, खाने लगे। After they had eaten, the herd moved towards the river. जब उन्होंने खा लिया तो जो झुंड था वो कहाँ की तरफ चले गया, रिवर यानी कि
नदी की तरफ। द बेबी एलिफेंट्स इंजॉय प्लेइंग इन द वाटर, जो बच्चे थे एलिफेंट्स के वो खेल इंजॉय कर रहे थे किसमें, पानी के साथ। द मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक, जो इनकी मम्मी थी वो भी पानी में क्या कर रही थी, ले ऐसे पानी में जा करके, और जो पानी में जो कीचड़ होता ना उसे मट गए थे उसके साथ वो क्या कर रही थी, बैंक में यानी कि इंजॉय कर रहे थे मट के साथ और वाटर के साथ। डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम हुबलीज, वो कह रही एक जो बड़ा हाथी है ना वो 100 किलोग्राम पत्ती और ट्विंक्स यानी उसके टहनी खा लेते एक दिन में। तो एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, वो ज़्यादा आराम नहीं करते हैं, दे स्लीप ओनली 2 or 4 hours, यानी कि दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे वो सोते हैं। और एलिफेंट लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, वो पानी और कीचड़ पानी और मिट्टी से मिला हुआ जो होता है उसमें खेलना पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं उसे, क्योंकि दे मच कीप्स देयर स्किन कूल, उनकी स्किन को ठंडा रखते हैं। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैन, उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं ना, देखो एलिफेंट के कान दिख रहे हैं आपको, और जो कान क्या करते हैं, तो यहाँ पे बड़ा बड़ा सा कान दिख रहा है, ये जो ईयर्स होते हैं ना इनके, ये फैन का काम करते हैं, फैन माने पंखा, किसका काम करते हैं, हाँ दे एलिफेंट फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल, वो अपने को ठंडा रखने के लिए इसको फ्लैप करना यानी कि हिलाते हैं। अब ये फाउंडेशन क्वेश्चन आंसर भी हम इसी में करा देंगे। फर्स्ट है, नंदू इज़ ओनली 3 months old, 3 महीने का है सिर्फ वो, लेकिन उसका वजन कितना है, 200 किलोग्राम है। तो आपका कितना है, देखो आप क्लास 4th में पढ़ते हो तो आपका वजन 20 to 25 होगा, तो मैंने 25 kg लिखा है, ठीक है, आई एम 25 kg इन वेट। आपकी क्लास में जो बच्चे उसका वजन कितना है, 25 किलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रंस लाइक यू विल एड अप टू नंदूस, यानी कि अगर आप ही के वजन के कितने बच्चे हम लेंगे कि उनका वजन नंदू के बराबर होगा। देखो 25 25 आप उसको ऐड करोगे 8 times, तो 8 कितना होगा, 200 होगा, तो इसीलिए सीधे 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 200 हो जाए, यानी कि आपके कितने बच्चे होंगे आपकी तरह, तो आपका आंसर होगा 8, तब आएगा वो 200 अ डे विथ नंदू। देखो नंदू कितना इंजॉय कर रहा है, ये जो इसकी ट्रंक होती है ना एलिफेंट की, ये लोग ट्रंक से एक दूसरे पे क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ये ट्रंक है इससे एक दूसरे पे ये फवारा से दिख रहा है ना, तो ये इनकी अपने ट्रंक से यानी कि सूंड से पानी डाल रहा है, तो फाउंटेन का एक रू बन रहा है, यानी कि एलिफेंट क्या होते हैं, फाउंटेन भी पानी में जाके अपने सूंड से पानी भर के फिर छोड़ेंगे तो फाउंटेन का रूप ले लेगा। फन एंड गेम, नंदू शो हिज ब्रदर एंड सिस्टर पुलिंग ही शदर टेल्स, उसने उसके देखा अपने उसके जो बहन भाई थे उसकी उम्र के, वो एक दूसरे की टेल यानी कि पूंछ खींच रहे थे। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम, उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा इनके साथ, क्यों, वॉच इट इफ दे फॉलो ऑन मी, क्या पता मुझे गिरा दे, आई एम स्टिल स्मॉल, मैं बहुत छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर, वो गया अपनी मम्मी के पास में चुपचाप से खड़ा हो गया, ठीक है। A man gently pushed Nandu towards the water, and if she was telling him to go and play, तो अम्मा ने उसे क्या किया, पानी में इस तरह से पानी की तरफ धक्का दिया, towards में उसकी तरफ, कि उससे कुछ पूछ पाती इससे पहले कि उसने उसको पूछ कर दिया, ठीक है। Nandu loved to play in water, और वो पानी में खेल के खूब अच्छे से खेलने लगा। His cousin were already there, उसके कजिन जो उसके भाई बहन थे वहाँ पहले से थे। Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. देखो जैसे पहुंचा एक बड़ा सा फुहारा ऐसे करके उसके ऊपर गिरा, उसके भाई बहन ने उसके ऊपर गिराया होगा ना। अब क्या हुआ, ओह दिस वॉज अ वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन, उसने कहा मेरे नॉटी कजिन का काम है। नंदू ज्वाइन दैम इन द गेम, नंदू को भी ये गेम बहुत अच्छा लगा, उसने इसको ज्वाइन किया यानी वो गेम खेलने लगे एक दूसरे के ऊपर वाटर गिरा के, ठीक है। बिफोर सनसेट द हर्स स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल, अब सनसेट यानी सूरज डूबने वाला था, सनसेट मैंने क्या होता है सूरज डूबना। अब उससे पहले हर देखा एनिमल्स लोग, आपने कैटल भी देखे होंगे, जानवर जो छोड़ते हैं जंगल में वो अपने आप ही सनसेट होने से पहले आ जाते हैं ना, तो वैसे ही ये सनसेट होने से पहले वो लोग अब जंगल से वापस कहाँ टूवर्ड्स द जंगल, मतलब जंगल की तरफ आने लगे। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड, नंदू बहुत थक गया था तब। He settled himself between his mother front leg and fell asleep as the drank her milk, उसको अपनी मम्मी के जो आगे के पैर थे
उनके बीच में चला गया, वहाँ पे उसने अपने आप को सेटल किया और वहाँ पे सो गया और फिर ड्रैंक हर मम्मी का क्या करने लगा, दूध पीने लगा। अब फिर यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है कि यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड, तुमने नंदू और उसके एलिफेंट झुंड के बारे में पढ़ा ना। एंड एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट, जो एलिफेंट का झुंड होता है ना उसमें सिर्फ फीमेल होता है और बच्चे होते हैं, बच्चे कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। द ओल्डेस्ट एनिमल इन द लीडर ऑफ द हर्ड, जो सबसे फीमेल होगा, ओल्डेस्ट फीमेल यानी कि सबसे बड़ी उसमें फीमेल होगी, वो इनकी क्या होगी, लीडर होगी। अ हर्ड में हैव 10 to 2 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग बॉयज, तो उसमें इनके झुंड में 10 से 12 फीमेल यानी कि फीमेल एलिफेंट होते हैं और बच्चे होते हैं, ठीक है। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड, जो मेल एलिफेंट होते हैं 14 से 15 साल तक रहते हैं इस झुंड में। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड, उसके बाद वो झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है, जंगल में अकेले घूमते हैं वो। नंदू विल ऑल्सो लीव दिस हिज हर्ड वेन ही इज दैट ओल्ड, उसने कहा नंदू जब वो 14 से 15 साल का हो जाएगा वो भी झुंड को छोड़ देगा और जंगल में अकेले रहेगा, ऐसा एलिफेंट के साथ होता है, ठीक है। लाइक एलिफेंट सम ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो लीव टूगेदर इन ग्रुप, दिस एनिमल ग्रुप आर कॉल्ड हर्ड्स, एनिमल इन हर्ड्स यूजली मूव अराउंड टूगेदर सर्चिंग फॉर फूड। अब वो कहते हैं एनिमल झुंड में क्यों रहते हैं, एक तो सेफ्टी के लिए रहते हैं, देखो फिर वो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपने झुंड में रह के वो सर्चिंग खाने को ढूंढते हैं। क्वेश्चन आंसर भी इसमें मैंने करा है, देखो फर्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू वो नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू, आप भी नंदू होते ठीक है और आप झुंड में रहते तो आप क्या करते। तो इफ़ आई वो नंदू आई वुड प्ले डांस ईट होल डे नाइट, मैं खेलता नाचता पूरे दिन भर क्या करता, खाते ही रहता और मजे करता, ठीक है। इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली, जो सबसे ओल्डेस्ट है वो डिसीजन लेती किस में, एलिफेंट के हर्ड में, आपके घर में कौन लेता डिसीजन। तो इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजन टेकन बाय मम्मी एंड डैडी, ज़्यादातर डिसीजन हमारे मम्मी पापा लेते हैं, क्योंकि अब तो सबकी स्मॉल फैमिली होती है ना, किसी के ग्रैंडफादर भी ले सकते हैं, बट मम्मी डैडी इसका आंसर आप ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर भी ले सकते हो, ओके। अब ये कोलाज बनानी है एलिफेंट्स की, कह रहे हैं कोलाज बने क्या होता है बच्चों, कोलाज यहाँ पे लिखा है ना, ये आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो लिखा है कोलाज, ये कोलाज का मतलब होता है झुंड, क्या होता है झुंड एक मतलब पिक्चर को ना, एक कई तरह की पिक्चर को कट करके हम एक बड़े ऐसे पेपर में या प्लेन चार्ट में पेस्ट कर देते हैं। सपोज मेरे को एलिफेंट की एक पिक्चर मिल गई, एक एडल्ट एलिफेंट की मिल गई, एक बेबी एलिफेंट मिल गई, और एलिफेंट के ऊपर सवारी करते हुए मिल गई, एक एलिफेंट की हम मेरे को जंगल में मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से जितनी पिक्चर मिल गई उनको कलेक्ट करके एक पेपर में, न्यूज़पेपर में या किसी प्लेन पेपर में पेस्ट करना, इसी को बोलते हैं कॉलेज। आप कुछ भी इसमें पेस्ट कर सकते हैं, ऐसी कॉलेज बनानी है कह रहे हैं एलिफेंट की, तो आप इसमें जितनी आपको एलिफेंट की पिक्चर मिलेगी उसको पेस्ट करके एक पेपर में, वही हो गया आपका कॉलेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू, इफ़ यू कुड स्पेंड होल डे विथ योर फ्रेंड्स व्हाट ऑल वुड यू डू, अगर आपको पूरे दिन अपने दोस्त के साथ स्पेंड मैंने बिताने को मिलेगा आप क्या करोगे। तो आंसर है इफ़ आई कुड स्पेंड होल डे विथ माई फ्रेंड आई वुड लाइक टू प्ले, खेलोगे आप डांस नाचोगे ईट और खाओगे एंड हैव अ लॉट फन, और भी बहुत सारी मस्ती करोगे ना। फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड, आप पता करो कौन से जानवर रहते हैं। देखो अगर आपने देखा होगा तो काउस बफेलो गोट डियर शिप जिराफ जबरा या भी अपने किस में रहते हैं, हर्ड में रहते हैं। नेक्स्ट है, डू यू ऑल्सो लिव इन ए ग्रुप, क्या तुम भी कभी ग्रुप में रहते हो। देखो कहाँ रहते हो, हम रहते हैं यस इन स्कूल आई लिव इन अ ग्रुप विथ माई फ्रेंड्स। अब नीचे है वाई आई वुड लाइक ग्रुप वाई आई वुड नॉट लाइक ग्रुप, मेरे को ग्रुप क्यों पसंद है मेरे को ग्रुप क्यों नहीं पसंद। देखो तो ज़्यादातर तो पसंद में आएंगे पॉइंट्स, क्यों, क्योंकि वी कैन एंजॉय, हम ग्रुप में एंजॉय करते हैं, वी कैन हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद करते हैं ग्रुप में, है ना, वी फील सेफर एंड सिक्योर, हमें सेफ्टी, हम ग्रुप में रहेंगे तो हमें सेफ्टी फील होगी, कोई जल्दी से हम अटैक, जैसे अगर एनिमल है तो एनिमल को कोई जल्दी से अटैक नहीं करेगा, और आप लोग भी ग्रुप में आपको सेफ्टी फील होगी, वी कैन हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे नहीं पाएंगे। अगर किसी को सपोज आपके स्कूल में अगर ग्रुप में आपके फ्रेंड हैं
सपोज आप पेंसिल लेने लगे तो आपको वो भी वो लोग शेयर करेंगे, ठीक है। वी कैन शेयरिंग, हम शेयर भी कर सकते चीज़ को। और आई मतलब वाई आई वुड नॉट, मुझे क्यों पसंद नहीं है। देखो कभी कभी ग्रुप में क्या होता है ना, जब ज़्यादा ग्रुप होते हैं तो आपकी बातें नहीं किसी से मेल लिखा दिया तो लड़ाई हो जाती है, तो क्वारल हो जाता है। और प्राइवेसी नहीं रहती है ग्रुप में कभी। प्राइवेसी मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर आपको कोई प्राइवेट बात करें तो ग्रुप में वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट। और ग्रुप में कई लोगों के ओपिनियन मैंने विचार जो है अलग अलग होते हैं। ग्रुप में अगर 10 लोग हैं तो 10 के अपने अपने विचार होंगे, ठीक है। तो इस वजह से ग्रुप को पसंद नहीं करते हैं कई लोग। अब हाउ डू एलिफेंट फील व्हेन द कैप्टन चेन, ठीक है, अगर किसी को चेन में बंद कर देंगे तो कैसा फील होगा। अब एलिफेंट के लिए कह रहे हैं डिस्कस एंड शेयर यू अपनी फीलिंग को आप शेयर करो। तो व्हेन एन एलिफेंट आर कैप्ट इन चेन दे फील हेल्पलेस टू डू एनीथिंग, वो कुछ भी करने के लिए क्या होंगे, हेल्पलेस होंगे। आपको भी कोई चेन से बांध देगा तो आप भी वैसे हेल्पलेस होंगे ना। तो क्यों होंगे, दे फील, आप वो कैसे होंगे, तो दे फील सैड एंड अनहैप्पी, दुखी होंगे ना, उन्हें दुखी होंगे, अनहैप्पी खुश नहीं होंगे ना। अब हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील, तुमने कभी एलिफेंट में बैठे हो, देखो बच्चों को बैठे हो तो सही, अगर नहीं भी बैठे हो ना, आपने एलिफेंट पिक्चर में सवारी करते हुए देखा होगा लोगों को ना, तो कैसे लगता है। तो अगर कोई बैठा तो लिखे आई हैव, यस आई हैव टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट एंड इट फील एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग होता है। विच एनिमल हैव यू सेट ऑन राइड, यानी तो किस किस एनिमल के ऊपर बैठते हैं, जैसे कैमल के ऊपर बैठते हैं, कैमल में राजस्थान में ना कैमल की पे ही जाते हैं, और बफेलो सामान ले जाने के लिए बफेलो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एलिफेंट के ऊपर तो बैठते हैं, हॉर्स घोड़े के ऊपर भी सवारी करते हैं। नेक्स्ट है, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक्स इन मूवीज, आपने कहाँ कहाँ देखे हैं, ग्रुप में रहते हैं अलोन रहते हैं, आप किसी भी एक एनिमल के बारे में लिखो, जैसे आप कैट के बारे में लिख सकते हैं। देखो मोस्टली हम सब जिस एनिमल से क्या होते हैं, बहुत हमें पसंद हैं, हम फैमिलियर होते हैं, वो होता है डॉग, जो लगभग सबके घर में पाया जाता है और बहुत अच्छा होता है, होता ही नहीं, तो डॉग के बारे में ही सब लिखते हैं। तो इसे आई सी डॉग अराउंड मी, मुझे मेरे डॉग तो दिख ही जाते हैं चारों तरफ। डॉग आर 4 foot एनिमल, चार पैर होते हैं उसके, दे ईट मिल्क ब्रेड मीट, ये खाता है वो ना, दे एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, रात को बहुत एक्टिव हो जाते हैं डॉग, बस इतना ही लिखना है। अब नेक्स्ट देखो एलिफेंट की कैसे सवारी कर रहे हैं, ये लोग जंगल में जा रहे हैं, बेबी एलिफेंट भी है आगे से, और ये एलिफेंट के ऊपर मजे से जा रहे हैं, तो ये एलिफेंट इन्हें घुमा रहे हैं, ठीक है। अब थिंक एंड राइट, यहाँ पे एक पिक्चर है, देखो एक बफेलो है, इसके ऊपर इगरेट बैठी, इगरेट क्या होता है, बगुला होता है ना, ठीक है, ये होता है सफ़ेद बगुला, आपने देखा होगा एनिमल के ऊपर बैठा रहता है, वो क्यों बैठा है कह रहा, आप क्या सोचते हो। तो इगरेट जो होता है ना बफेलो पे इसलिए बैठता है, बफेलो के जो कान के अंदर देखो फ्लाइज होती हैं कभी कभी, तो ये क्रांस ये कीड़े चले जाते हैं ना इनके अंदर, क्योंकि ये लोग ऐसे ही रहते हैं खुले में गोबर मिट्टी में, तो इनके अंदर कभी क्रांस ऊपर चले जाते हैं और फ्लाइज यानी कि मक्खी चले जाती हैं, तो बफेलो के अंदर ये उससे क्या करते हैं, खाते हैं, जिससे दोनों को आराम मिलता है, बफेलो को भी आराम मिलता है इसको भी। तो आपको इगरेट सिट्स ऑन अ बफेलो टू इट फ्लाइज क्रांस ऊपर ऑन द बफेलो, बफेलो के ऊपर जितने भी क्राइस करा ग्रास ऑफ उसके अंदर है या फिर और भी कोई सारी है ऐसी चीज़ें, तो उसे खाने के लिए वो बैठी है। हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अदर एनिमल, राइड देने, आपने किसी एनिमल को दूसरे एनिमल के ऊपर राइड करते हुए देखा है। देखो एक एनिमल है आपने देखा ज़ेब्रा, ज़ेब्रा के ऊपर अक्सर कौन राइड करता है, ऑक्स पे कौन, ज़ेब्रा ये देखा नहीं होगा जंगल में होता है ज़ेब्रा, और आपने जू में भी दिखा होगा, क्योंकि मोस्टली जैसे बफेलो तो दिख जाते हैं ज़ेब्रा नहीं दिखते ना, तो उसके ऊपर ऑक्सपेकर राइड करता है, ठीक है। विच एनिमल डू वी यूज़ ऑन राइडिंग, हम किसका इस्तेमाल करते हैं राइडिंग के लिए, क्योंकि हमारे वहाँ ज़्यादा हॉर्स का करते हैं, डोंकी का करते हैं, कैमल का करते हैं, ऊँट का ना, और याक का भी करते हैं, याक का जहाँ पे ठंड होती है बहुत वहाँ पे याक में सामान ले जाया जाता है। विच एनिमल डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स, लोड्स ले जाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, लोड्स यानी कि वजन को ले जाने के लिए, डोंकी याक बफेलो आर यूज फॉर कैरिंग लोड्स। अब है मेक योर ओन एलिफेंट, अपना ओन एलिफेंट बनाओ, आपको इस तरह से कट करनी है और इस तरह से कट करके एलिफेंट बनाना है। नेक्स्ट है व्हाट डू दिस, ये क्या कह रहे हैं, देखो फर्स्ट आपका एक स्नेक है, ये कह रहा है कि मैं, मेरा घर सिर्फ बास्केट है
और मैं तो भूल गया हूँ जंगल को, खुले जंगल को, खुली हवा को, और मैं सिर्फ बास्केट तक ही सीमित रह गया हूँ, टोकरी सक और इसकी स्नेक चार्मर यानी कि सपेरे तक। नेक्स्ट में फिर येलो कलर में ये है बियर, ये कह रहा है कि मुझे डांस कराते हैं सर्कस में, रिंग के अंदर से जाओ कहते हैं, और फिर लोग क्लैप ताली बजाते हैं, खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं, और फिर अगर मैं मतलब इस तरह से मैं लोगों को इंजॉय कराता हूँ, कह रहा डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो इन्जॉय ऑल दिस, मैं इसको क्या तुम सोचते हो कि मुझे भी इंजॉय करता है, मैं नहीं करता हूँ ठीक है, मैं क्या करता हूँ मुझे खाना नहीं मिलता है इसलिए मारते हैं तब तो मैं करता हूँ ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे हॉर्स है, ये कह रहा है कि यू हैव ओनली सीन, तुम सब ये देखते हो कि मैं कितने तेज दौड़ सकता हूँ, लेकिन क्या तुमने मेरे शूज़ मेरे पैर देखे हैं। देखो हॉर्स के अंदर ना क्या करते हैं, जो हुप्स होते हैं, हुप्स मैंने कहता खुर, उसमें क्या करते हैं घोड़े की नाल कहते हैं ना आपने, वो बांध देते हैं जिससे कि उसकी वो दौड़े तो उसकी जो खुर है वो ज़्यादा क्या हो घिसे ना, तो वो कह रहा मेरे खुर क्या करते हैं उसमें, मेरे उसमें खुरों में क्या करते हैं वो हॉर्स मुझे क्या पहना देते हैं, हॉर्स के अंदर जो एक वही की बोलते हैं नाल ठीक है, तो उससे उसको कितना पेन होता है। फिर नीचे नेक्स्ट में मंकी कह रहे हैं कि मुझे डांस कराया जाता है और फिर लोग क्या करते हैं इंटरटेन करते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कभी कि मुझे भी दुख होता है, मेरे कभी उसको परेशानी होती है कि मन नहीं करता हो ठीक है, वो सिर्फ क्यों करते हैं कभी भूखे भी रहते हैं तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। अब बिल्ली क्या कह रही है, बिल्ली जो है मस्त है, बिल्ली से तो कुछ नहीं कराते ना, बिल्ली बिल्ली कह रही है आई कैन जस्ट रूम अराउंड, मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ, बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे दूध देते हैं, ऐसे गुटरगु है वो कह रहे कि पीपुल मुझे बहुत प्यार करते हैं और जब मुझे फीड यानी खाना देते हैं तो मुझे भी गुटरगु करके बुलाते हैं, तो कुछ एनिमल बहुत परेशान है ना। अब यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन को मैं नंबर वन लिखा है कि यू हैव सी यू हैव रीड व्हाट दिस एनिमल से व्हाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड, कुछ दुखी है इसमें ना। देखो फर्स्ट तो यहाँ इसका आंसर मैंने यहाँ पे यहीं पर दे दिया है, यहाँ पे तो आंसर फर्स्ट सम एनिमल आर सैड एज दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स, हैबिटेट माने जो उसकी उनकी रहने की आदत होती है नेचुरल, जो भगवान ने दिया है उससे वो अलग हो गए, सेपरेट मैन अलग हो गए ठीक है, दीज एनिमल आर फीलिंग्स, इसलिए वो दुखी हैं। जैसे कौन कौन से थे देखो, सब दुख थे, सिर्फ एक गुटरगो कबूतर और एक बिल्ली को छोड़ के, क्योंकि इनको कोई कैद नहीं करता है ठीक है, बिल्ली भी आज़ाद रहती है। नेक्स्ट है कि हाउ, जैसे नंबर टू डाला मैंने, हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट द मंकी दैट डांस टू डिफरेंट पीपल एंड द मंकी दैट आर फ्री, एक मंकी जो लोगों के लिए डांस कर रहे हैं हमारा इंटरटेन कर रहा है और एक मंकी जो फ्री है, क्या है उसमें अंतर, इसका आंसर मैं नीचे लिखा है ऊपर जगह नहीं थी, यस दे बोथ आर डिफरेंट द मंकी दैट आर फ्री आर हैप्पियर इन कंपेरिजन टू दोस दैट डांस टू डिफरेंट, एक मंकी जो फ्री है वो बहुत खुश है उसके कंपेरिजन में जो डांस करें, हमको लगता है ना मंकी हमारा एंटरटेन करे तो बहुत अच्छा है, अब तो क्या सर्कस बंद हो गया है, बट एनिमल्स को कभी भी पिंजरे में नहीं रखना चाहिए ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, पूरे मैंने क्वेश्चन आंसर करा दिए, आप इसे ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट ज़रूर करिए प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्रिएशन विद चिल्ड्रन। ओके बाय बाय।